और अब घिसकते लोकतंत्र में आज बात उत्तर प्रदेश के उन सैकड़ों बेरोजगार युवाओं की जिनके पास डिग्री है, जिन्हें भरोसा है कि 2018 में निकली 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण गड़बड़ झाला न होता तो वो आज टीचर बनकर स्कूल में पढ़ा रहे होते। लेकिन सैकड़ों हजारों वो युवा 6 साल से सड़क पर प्रदर्शन को लाचार हैं। कल इन लाचार युवाओं ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का घर घेरा, पूछा कि सरकार से कब नई मेरिट लिस्ट जारी कराएंगे। आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के घर पहुंचे, पूछा कि मंत्री कहती तो हैं कि न्याय मिलेगा पर कब। अभ्यर्थी हैं, साफ तौर से उनका मानना है कि उनको निश्चित एक डेट दी जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय हो गया है और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही सरकार ने 3 महीने का समय दिया और कहा है कि उनकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी उनको न्याय नहीं मिला। उनको डर है कि ऐसा ना हो कि ये जो अधिकारी है वो इनकी नियुक्ति को फिर से गड़बड़ करके कहीं कोर्ट में फंस जाए। 4 साल से सर संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, बहन बेटियां पिट रही हैं, हमारे संघर्ष के साथी हैं जो अभी अस्पताल में जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, हमारा क्या गुनाह है। त्वरित न्याय 4 साल से सुन रहे हैं, त्वरित न्याय हो रहा है और अभी भी हाई कोर्ट का आदेश आ गया, अभी त्वरित न्याय ही मिल रहा है। हम लोग लखनऊ में कोई ऐसा मंत्री नहीं है, कोई ऐसा विधायक नहीं जिसके दरवाजे हम लोगों ने पिछले 6 साल से धरना न दिया। आज हम अपनी अपनी समाज की नेता के दरवाजे इसीलिए आए। अरे हमें तो ज्वाइनिंग दे, हमारे तो हमारे पक्ष में आया फैसला, लेकिन सरकार फिर भी तैयार नहीं है ज्वाइनिंग देने के लिए। सिर्फ कह देने से और ट्वीट करने से काम नहीं चलेगा। अगर जो हमने फीस के रूप में आपको वोट दिया है तो हमको जो हमारी संवैधानिक अधिकार है, माननीय हाईकोर्ट का जो न्यायालय का आदेश है, उसको हमको लागू कराइए 1 हफ्ते के अंदर। उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए वो हमारी आवाज केंद्रीय नेतृत्व को उठाएं, हमारे साथ जो अन्याय हो रहा हमें न्याय दिलवाएं। हमें डर है इस बात का कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया वो आज भी वही अपनी कुर्सियों पे बैठे हैं, वो हर वो कुचक रचेंगे ताकि हमको नियुक्ति पत्र न देना पड़े। जो अभ्यर्थी हैं, साफ तौर से उनका मानना है कि उनको निश्चित एक डेट दी जाए, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय हो गया है और लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही सरकार ने 3 महीने का समय दिया और कहा है कि उनकी नियुक्ति की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी इनको न्याय नहीं मिला। थोड़ा इसमें आपको धैर्य की जरूरत है। सरकार प्रक्रिया कर रही है और प्रक्रिया में जो समय लग रहा है वही समय है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। अन्याय आपके साथ नहीं होगा। समय मैंने आपसे आते ही कहा कि लंबा समय आपको संघर्ष करना पड़ा। किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई मतलब उनके साथ किसी भेदभाव ना, ये हमारे मतलब हमको लगता है उस पर विचार चल रहा है।